दो रोज हो गए दीदी को ना डॉक्टर ने देखा है ना दवा मिली है। आखिर कब तक वो इस बुखार में फूंकती रहेगी? घबराऊंगी शांति, मैंने तुम्हारे जीजाजी को पैसे देके दवा लाने भेजा है, अभी आ जाएगी दवा। जीजाजी क्या हुआ? तुमसे क्या छुपाऊं चंचल, ये सारे दुख हमारे जीजाजी के कारण है। शराब ने उन्हें कहीं का न रखा, घर में दवा लाने को पैसा नहीं, कंगन दिया था वो भी बेचकर शराब पी गए। अच्छा, मुझे पता नहीं था वो ऐसे हैं। क्या बताऊं, पिताजी क्या गए, हम पर मुसीबतें टूट पड़ी हैं। रमेश की वकालत चल जाती तो किसी तरह गुजारा हो जाता। तुम क्यों नहीं कुछ करती? मेरा मतलब है, नौकरी करना कोई ऐब की बात नहीं। नौकरी मुझे कहाँ मिलेगी? नौकरी कहीं तो मिलेगी। हाँ, यूं तो एक थिएटर के मालिक ने एक बहुत अच्छी नौकरी देने को कहा था, फिर मेरा स्टेज पर काम करना रमेश को पसंद है। ये पसंद का सवाल नहीं शांति, जिंदा रहने का सवाल है। तुम्हारी बीमार बहन है, दो छोटे भाई बहन है जिनकी तालीम पूरी कराना है, उनकी खुशियां ज्यादा प्यारी है या झूठी इज्जत? सोच लो शांति। मैं जानती हूँ, लेकिन रमेश को भी तो नाराज नहीं कर सकती। नाराज करने की बात नहीं, तुम उन्हें समझा सकती हो कि जिस दिन वो कमाने लगेंगे तुम काम छोड़ दोगे। अच्छा, बात करूंगी, लेकिन अभी तो दीदी का गम मुझे खाया जा रहा है। कितनी तकलीफ में है वो, और घर में दवा तक के लिए पैसे नहीं। वकील साहब, प्लेटें साफ कर रहे हैं? करो करो, जमाना ही उल्टा है। लोग कह गए हैं कि मैंने लाखों के बर्तन धोए सबरिया तेरे लिए। नाराज ना होइए वकील साहब, कहीं एक आध प्लेट टूट गई तो तनख्वाह कट जाएगी। अच्छा भाई, हम तो चल दिए। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा, तूने देखा जादू कोई चल ही गया। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा, तूने देखा जादू कोई चल ही गया। याद है रात गुलशन की, मुझे वो अब तक याद है रात गुलशन की। ओ चांदनी थी रागनी थी, मैंने देखा तूने देखा जादू कोई चल ही गया। चुपके चुपके रुकते रुकते मैंने देखा, तूने देखा जादू कोई चल ही गया। आ, 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 आ,
छुप जाना उलझ के नैनों पर कुछ न कहना छुप छुप जाना वो हाथ मेरा थाम के तेरा रुक जाना आग आपके पास है और आपको पता नहीं आग बुझ चुकी है बुझी नहीं राख के नीचे दबी चलिए बैठिए कहिए कैसे आना हुआ आपसे मिलने मुझसे जी असल में आपका और मेरा एक ही जैसा हाल है हर शाम शांति थिएटर में और हमारे दया साहब ऑफिस में समझ में नहीं आता शाम कैसे काटी जाए रस्ते में क्या कर रहे थे सच जाना चाहती खाने के बर्तन धो रहा था बर्तन जी बर्तन लेकिन आप बर्तन क्यों धो रहे थे वक्त गुजारने के लिए कुछ तो करना चाहिए क्या बात कर रहे हैं आप क्या आपके लिए दुनिया में कोई काम नहीं आपकी कोई कीमत नहीं आखिर ऐसा क्यों सोच लिया आपने? मैंने नहीं सोचा दुनिया ने इसी लायक समझा अगर आप दुनिया के गलत इंसानों से संबंध जोड़े इसमें दुनिया की क्या खता है मुझे आपको इस हालत में देख के बहुत दुख हुआ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपना दुख और दूसरों के सामने रोने की मेरी आदत नहीं है चंचल देवी आप मुझे गैर समझते लेकिन मैं नहीं आप मेरे पड़ोसी हैं आपका दुख मेरा दुख है और आपका सुख मेरा सुख है मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं लेकिन आप मेरे लिए कर भी कर सकती हैं देखना चाहते हैं आइए मेरे साथ आइए ना हाँ तो मिस्टर रमेश अगर तुम मेरे यहां काम करो तो मेरा बोझ काफी हल्का हो जाएगा यू आर ए परफेक्ट वाइफ चंचल मेरा कितना ख्याल रखती है देखो ना मेरा सवाल तुमने यूं चुटकियों में हल कर दिया और मेरा भी मिस्टर दयाल मैं जान लड़ा के काम करूंगा दैट्स द स्पिरिट माय बॉय इंसान की इज्जत उसके काम से होती है और तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनाकर क्या फायदा हुआ इसका फैसला तो चंचल ही करेंगे क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारी सिफारिश की है जी मुझे यकीन है कि मिसेस दयाल तुम उससे कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा आई होप सो अगर आप समझदार हैं तो शिकायत होना तो नहीं चाहिए अच्छा तो कल सवेरे से काम पे आ जाना जी शुक्रिया गुड नाइट मिस्टर दयाल गुड नाइट मिस्टर दयाल आज हमारा काम ही आप ही ने कर दिया क्या किया जाए जब नौकर काम चोर हूँ अच्छा जी तो कान खोल के सुन लो तब से तुम्हारा नौकर काम नहीं करेगा उसे दूसरी नौकरी मिल गई दूसरी नौकरी तुम्हारी सहेली चंचल मुझे दयाल साहब का असिस्टेंट करवा रही है और तनख्वाह होगी 500 रुपए महवार फिर तो अपने ठाक है थिएटर का काम बंद और कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 3 महीने का है उसके बाद छुट्टी और फिर तुम्हारी तनख्वाह का सफाया शुरू जानो जानती हो आज तुम्हारी आंखों में क्या है क्या वो चमक जिसकी मुझे तलाश थी वो नशा वो सरूर वो अकड़ जो कि आदमी का सर फकर से ऊंचा कर देती है आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कह सकता हूँ क्या बनोगी मेरी रमेश लिख लिए सारे पॉइंट जी हाँ आप आ सकते हैं अरे फिर दिखा देना इस वक्त मुझे कलेक्टर के यहाँ कॉन्फ्रेंस पे जाना है फिर जाना है I'm sorry. अगर आज नहीं गया तो मेरा जज बनने का चांस मारा जाता है और मेरी हर शाम मारी जाती है उसका ख्याल ही नहीं अब मैं किसके साथ जाऊँ शॉपिंग करने ऐसा करो तुम रमेश के साथ चले जाना रमेश जरा इन्हें शॉपिंग पे ले जाना जी मैं सोच रहा था इन पॉइंट्स को जरा मैं फेयर कर लेता तो भाई कल कर लेना है? जी बात अच्छा मैं जाता हूँ चीयर्स
क्या हुआ? दर्द, क्यों ही कभी कभी दर्द होता है। किसी डॉक्टर को दिखाइए ना। कौन ले जाएगा मुझे डॉक्टर के पास? दयाल साहब का कहते हैं वही अगर मेरा ख्याल करते तो ये दर्द ही क्यों उठता। सारा बदन टूट रहा है, मुझे बुखार भी है, देखिए ना। मेरा ख्याल है मुझे भी बुखार हो रहा है। आपको याद है शॉपिंग करने जाना है आपको, देर हो रही। एक दर्जन सिल्क की कमीजें, तीन सूट, एक ड्रेस सूट, आपने तो मेरे ऊपर बहुत खर्चा का डाला है। घबराइए नहीं, जो खर्चा करता है वो खर्चा वसूल करना भी जानता है। कैसे? बड़े भोले हैं आप, समझाना पड़ेगा। समझाइए ना। इट्स टू अर्ली। एक्सक्यूज मी। हाय गजब, कब से इशारे कर रहा हूँ, तुम तो देखती ही नहीं। मैंने देखा नहीं। हाँ, क्यों देखने लगी हो, क्योंकि वो पंटू साथ में बैठा है ना। फरमाइए क्या हाल है। हाल क्या पूछती हो, दिले बेकरार का अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया। याद रखिए सब अदा कर दूंगा। मैं रुपए लेने नहीं आई। माफ कीजिएगा, मैं खैरात नहीं मांगता। कितने रुपए लिए थे आपसे? 50 ना। तो ऐसा कीजिए के क्या 50 और दे दीजिए, पूरे 100 हो जाएंगे, याददाश्त के लिए आसानी हो जाएगी। हाय गजब, कितनी समझदार हो तुम। देखिए आपसे एक छोटी सी विनती है। बड़ी से बड़ी कहिए, फर्क क्या पड़ता। घर जाके शांति से ना कहिए कि तुम और पंतू साथ में बैठे थे। ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू। मेंशन नॉट। मैं देखता क्या है, डबल बना। कैसे चक्कर में फंस गया शांति के। बस मैंने कहा हुजूर, मैरिलिन मॉनरो है ना, फेमस लेग्स देखे। अरे काली तो बड़े अच्छे, कहाँ से लिए? जाइए, कहा था छुट्टी है, जल्दी आना। अब आए रात के 10 बजे। आई एम सॉरी शांति, मैं कहीं फंस गया था। तुम गई नहीं कहीं? कहाँ जाती अकेली, नाराज हो गई। हाय गजब, कमाल के शायर हो यार तुम भी। वहाँ चंचल से झटपट और यहाँ शांति से लटपट। शर्म नहीं आती किसी को बिना वजह बदनाम करते हुए। चलो मैं ही झूठा सही, लेकिन तुम अपने वकील साहब से तो पूछो कि इतनी रात गए हुए कौन सी कचहरी में मुकदमाबाजी कर रहे थे। पूछने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अरे भाई भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन इतनी रात गए हुए बूढ़े दयाल साहब की जवान पत्नी के साथ घूमना भी तो ठीक नहीं। और वो भी कहाँ, प्राइड ऑफ एशिया बार में, जहाँ चाय के साथ शराब मिलती है। आज चाय पी ली है तो कल। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? शांति, मैं चंचल को शॉपिंग करवाने ले गया था, वहां से हम चाय पीने चले गए, वहीं देर हो गई। सुन लिया, मामूली सी बात थी। ए भैया रमेश, ये लड़कियां बड़ी जल्दी बड़ी हो। शट अप शट अप। कम ऑन। हाय गजल, छठी मोटी सुइया रे, जाली का मेरा काल ना, जाली का मेरा काल ना। बात क्या है? बात अजी, मैं बधाई देने आया हूँ। मुबारक हो, तुम्हारी मोहब्बत मेरी कोशिशें रंग ला रही। सुना, कल की बात मैंने शांति से कह दी। चुनाचे मिस्टर रमेश और शांति में बोल चाल बंद। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा था। अच्छा जी,
जाने तमन्ना किससे आंख में चोली खेल रही है। अमा सीधी सी तो बात है, तुम्हें जरूरत है रमेश की, उसके प्यार की। ये गलत है। गलत? जरा सुनो, दिल तो कुछ और कह रहा है। देखो मेरी जान, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं, सच पूछो तो नफरत है। नफरत? हाँ, इसलिए कि तुम मेरी नन्ही मुन्नी शांति का दिल तोड़ना चाहती हो। तुम्हारे पास हीरे हैं, जवाहरात है, दौलत है, शांति की दौलत रमेश, तुम्हें शांति की दौलत की कीमत चुकानी पड़ेगी। किसको? गहरा मुझको। आपको? जी, रमेश को शांति से जुदा करके तुम्हारी बाहों में लाना मेरा काम। कीमत सिर्फ 5,000। 5,000? हाँ, तुम्हारे जिंदगी भर ऐश की कीमत। लेकिन शांति और रमेश, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं उसे मुमकिन बना दूंगा। शराब के खाते प्रकाश क्या नहीं कर सकता, अपनी जान दे सकता है, दूसरे की जान ले सकता है। अगर तुम कहो तो दयाल साहब की गर्दन मरोड़ दो। डर गई? अरे भाई, ये चोरी का प्यार कब तक? देखो, आज नए साल की खुशी में प्राइड ऑफ एशिया बार में एक जबरदस्त प्रोग्राम है। थिएटर कंपनी की तरफ से वहां शांति भी आ रही है। रमेश को लेकर वहां पहुंचना तुम्हारा काम है, बाकी जुम्मा मेरा। लेकिन वहां होगा क्या? होगा क्या? पुराने साल के बंधन टूटेंगे और नए साल के गठबंधन शुरू होंगे, समझे? नहीं समझ? हाय गजब। आपने मुझे बुलाया? हाँ। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो डार्लिंग? कमिश्नर साहब ने नए साल की खुशी में डिनर पे हम दोनों को बुलाया है। मैं इन बुड्ढों से तंग आ गई। तुम नहीं जानती कि तुम्हें साथ ले चलने में आज मुझे कितनी खुशी हो रही थी। तुम्हें देखकर सब लोग मेरी किस्मत पर रश करते। मेरे सर में बहुत दर्द है डाली, लगता है मुझे बुखार भी चढ़ रहा है। मुझे घर ही में रहने दो प्लीज। अच्छा, तो मैं अकेले ही जाता हूँ और डॉक्टर को जरूर बुला लेंगे। आज की डिनर और डांस के लिए मेरे नाम पर 2 सीटें रिजर्व कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल कोने। देखो, रमेश यहाँ आए तो उसे ये चॉकलेट खिला देना, नहीं तो वो शांति को लेकर कहीं और चला जाएगा। बस समझ लो, एक चॉकलेट खा लिया तो उसे आधी बोतल का नशा हो जाएगा। लो। और डालो विस्की। ओके बॉस। क्या करें प्रकाश बाबू, शराब बहुत तेज है। मैं जानता हूँ। ये लो, ये गिलास मैम साहब को देना और ये गिलास मैम साहब के सामने जो फंटूर साहब बैठा है ना, उसको देना। भड़कने लगा। और आपके लिए हाँ, एक दो बोलते